हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन। मैं हूँ सिमरन। तो दोस्तों, आज की वीडियो है कैक्टस पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में दोस्तों, मैंने रॉक को पेंट किया है और उसमें कैक्टस बनाया है। तो मुझे इतनी ज़्यादा ड्राइंग तो आती नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है। आप भी इस तरह से कोशिश करें और अपनी बाग बगीचे को सुंदर बनाएं। तो लाइव प्लांट तो हम बहुत देखते हैं दोस्तों, क्यों ना एक पत्थर को भी लाइव बनाया जाए। तो उसमें भी थोड़ी सी जान डालने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये सभी पत्थर कुछ मेरे गार्डन के हैं और कुछ बाहर से भी कभी दिख जाए तो मैं उठा कर ले आती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आजकल रॉक पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह की फूल पत्तियाँ और कैक्टस भी। तो हम आज सीखेंगे कैक्टस बनाना। ये पत्थर आप देख रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है 2-3 कलर, बस लाइट ग्रीन और ब्लैक और वाइट। तो अब यहाँ पर कुछ पत्थर को मैंने पेंट कर लिया है। तो दोस्तों, ये आपकी चॉइस है, उसे ग्रीन लाइट ग्रीन करें या डार्क ग्रीन करें, क्योंकि ये डार्क मैंने किया है और अभी इसके ऊपर मैं लाइट कलर यूज़ करूँगी। तो कोई भी साइज़ का पत्थर आप ले सकते हैं, छोटे बड़े हों। तो ये रहे मेरे सभी पेंट होकर तैयार। तो फ्रेंड्स, आजकल सर्दियों के कारण सूखने में ज़रा टाइम लगता है, तो अच्छी तरह से पहले पेंट को सुखाना है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। इस बार मेरे पास इतने अच्छे ब्रश नहीं हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा अच्छे ब्रश भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक फ्लैट ब्रश चाहिए और एक नुकीली ब्रश जो 0 नंबर का होगा। तो मैं अब यहाँ पे लाइट कलर से उसके ऊपर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये पेंट करना एक बहुत ही फन का काम भी है, इससे टाइम पास भी हमारा होता है, मन भी लगा रहता है। देखिए आप किस तरह से मैंने इसे सिंपल सा लाइन ड्रॉ किया है। अगर आपका बेस डार्क होगा तो ऊपर जो आप पेंट करेंगे वो लाइट रखें, और अगर लाइट आपने बेस रखा होगा तो बाकी की चीज़ें आप डार्क से करें। तो इसमें सिर्फ 3 ही कलर हमें चाहिए, डार्क ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन, ब्लैक और वाइट दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से, कितना सिंपल मैंने इसे ड्रॉ किया है। ज़रा इसे हम स्मज करेंगे। आप देख रहे हैं ब्रश में बहुत थोड़ा पेंट ले रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैं कुछ स्पाइक्स बनाकर आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास जो इस टाइम 0 नंबर का ब्रश नहीं है तो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम बिल्कुल तीखी लाइन खींचेंगे। ये एक लेटर बना रही हूँ, जैसे वी लिख रही हूँ। तो आप भी इस तरह से बनाएं, बहुत सिंपल है, मैं आपको सभी सिंपल ही बता रही हूँ। और इस पेंट में मैं बिल्कुल एंगल चेंज करके वहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइन खींच रही हूँ। आप देखेंगे जैसे जिगजैग है ये। तो बहुत आसान है कैक्टस पेंट करना। अगर आपके पास 0 नंबर का ब्रश हो तो बहुत अच्छी निखार आएगी पेंटिंग में। यहाँ पर सभी जो मैंने पेंट कर लिया है, थोड़े बहुत से जो भी हैं, ये आप देखिए किस तरह से बहुत ही सिंपल लाइन खींचकर, ये भी दिखाया था मैंने आपको, और ये बिल्कुल सिंपल जिगजैग बने हुए हैं सभी। नीचे डार्क कलर का बेस है, उसके बाद लाइट, और फिर उसके बाद वाइट कलर के जिगजैग, और ये तो बहुत ही सिंपल है, डॉट बने हुए हैं इन सब में, और ये भी दिखाया था मैंने आपको। और ये जो सबसे बड़ा है, इसे बहुत मैंने ज़रा डार्क पेंट किया है। तो इस तरह का पत्थर आप इसके ऊपर रखकर उसमें फूल बना सकते हैं।
अब यहाँ पर जो भी मैंने पेंट कर लिया है वो आपको दिखा रही हूँ। ये लाइट कलर का है और इन सभी के ऊपर जो भी आप रंग बिरंगे जो स्टोन चिपके हुए देख रहे हैं दोस्तों, ये एक मैंने जैसा फूल खिल रहा हो वो उस तरह का लुक देने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे सभी कितने सिंपल मैंने ड्रॉ किया है। और ये जो ऊपर आप पत्थर देख रहे हैं ये तो हमारे छोटे छोटे वाले चिप्स होते हैं जो हम अपने गमले में प्लांट्स के आसपास सजाने के लिए डालते हैं इस तरह के, तो इनको मैंने पेंट किया था इस तरह से रेड कलर का। तो ये रहा दोस्तों ग्लूगन। अगर आप ग्लूगन नहीं जानते हैं दोस्तों तो ये ग्लूगन बहुत इजीली हमारे किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिलते हैं। इन्हें स्कूल के बच्चे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ स्टोन चिपका कर दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सभी को यूज़ किया था। तो ये एक ऐसा लुक देगा कि हमारे कैक्टस में से फूल निकल रहे हैं। कोई भी कलर का आप लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, येलो, पिंक, जो भी। इस कैक्टस को मैंने ज़रा डार्क किया है और आप देख रहे हैं कितना सिंपल लाइन खींचकर और बीच बीच में सिर्फ मैंने उसके डॉट बनाया है। बहुत सिंपल है, कैक्टस बनाना बहुत ही सिंपल है। जिनके पास लाइव प्लांट ना हो तो वो इस तरह से कैक्टस बनाकर अपने गार्डन को सजा सकते हैं। और ये रहा मेरा जो पॉट है, इसके अंदर रेत भरा है मैंने। तो इसी रेत के अंदर एक एक करके सभी प्लांट्स हम लगा लेंगे अपने कैक्टस को। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी आपको पॉट्स भी बताऊंगी। जो पॉट्स हमारे पुराने बहुत छोटे होते हैं जो हमारे काम के नहीं रह जाते हैं, उसे किस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और ये बहुत ही छोटे पॉट जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आइए इसे रीयूज़ कर लेते हैं। इस खाली कंटेनर को भी मैंने ग्लू गन से जूट लपेट लिया है। ये जूट की रस्सी बहुत काम आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो एक DIY है और क्राफ्ट भी है। जो पुराने जो बेकार जो कोई चीज़ें पड़े होते हैं उन्हें हम दोबारा से अपने गार्डन में यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरे छोटे छोटे पॉट थे जो हमें नर्सरी से मिलते रहते हैं, तो कभी भी उसका दोबारा रीयूज़ नहीं हो पाता है क्योंकि ये साइज़ में बहुत ही छोटे हैं। तो तभी मैं इस पर ये सैक का जो कपड़ा है जो आप देख रहे हैं, तो ये लगाकर मैं इसे दोबारा से यूज़ में लूँगी। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने पॉट को दोबारा से नया उसे लुक देना चाहते हैं तो आप उसे पेंट भी कर सकते हैं। और कई तरह के प्रिंटेड क्लॉथ होते हैं जो पुराने जो बचे पड़े होते हैं हमारे पास, वो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं इसमें लगाकर। और ये काम हम फेविकोल से भी ले सकते हैं, पर मेरे पास ग्लू गन था। तो अगर आप ग्लू गन पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें, ये हाथों में गर्म ग्लू लगने से बहुत दर्द भी होता है। और अगर छोटे बच्चे आसपास रहें तो उनसे भी ज़रा संभाल कर रखें। तो आप ये देख रहे हैं अब ये पॉट ज़रा चेंज हो गया है, ज़रा अलग हो गया है। तो इसी तरह से मैंने दो चार और भी मेरे जो पॉट थे वो मैंने इसी तरह का बना लिया। तो अगर ये यहाँ वहाँ फेंके होने से अच्छा है कि उसे दोबारा से सुंदर बनाया जाए। तो आप ये देख रहे हैं ये अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने पुराने पॉट्स को कुछ भी अपने मनपसंद उसे रूप दें। और अगर हो पाए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप भी ज़रूर से कैक्टस बनाएं। किसी भी साइज़ का पत्थर हम उस पर ले सकते हैं। और अब हम इसमें रेत या मिट्टी भर लेंगे और एक एक करके अपने जो भी पेंट किया है रॉक वो हम इसमें लगा लेंगे। तो इस तरह से तैयार हैं ये सभी कैक्टस। आप चाहे इन्हें अंदर रखें या बाहर।
तो आज की वीडियो थी कैक्टस DIY। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलूंगी किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।